तो ब्रेक तो बात करना सिलसिला एक बार फिर जारी। दस दी कि पंजाब विधानसभा सैशन का अज आखिरी तीजा ते आखिरी दिन है, तो जिहड़ी सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब तो पहला विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दी गई है और खास तौर पर अज राजपाल के भाषण से चर्चा की जाएगी और उस तो बाद सप्लीमेंटरी एसटीमेट भी पेश किए जाएंगे। नवे थापे गए खजाना मंत्री वित्त मंत्री हरपाल चीमा जिहड़ा है वह वोटन अकाउंट भी पेश करनगे। सो सदन की कार्रवाई जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है। सब तो पहला विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि अज दी गई है सदन की कार्रवाई शुरू होंदिया ही, और उस तो बाद इस वेले तुहानूं तस्वीरां जिहड़ियां पंजाब विधानसभा के अंदर दियां विखा रहे हैं। तमाम जिहड़े विधायक ने, हालांकि कई विधायक कुछ देरी नाल पहुंच रहे ने, लेकिन इत्थे इस वेले कार्रवाई जिहड़ी है वह चल रही है। लाभ सिंह होगी खजाना खाली, पिछले जड़े कैबिनेट मंत्री जो कहते रहे, खजाना मंत्री कहते रहे कि खजाना खाली है, वो तद भी जो उन्होंने सरकार सी 15 साल अकाली सरकार के काम किया, 10 साल उस बाद कांग्रेस के भी वह जरा वो रहे, तो खजाना किमें खाली हो गया? खजाना खाली नहीं है बल्कि नीयत चाहिए है खजाना भरने लिए। इसीलिए जड़ा वो अज जो वित्त मंत्री वालों पेश किया जाना है बजट, तो तमाम जड़े विधायक इतने पहुँचे ने। एक बार तस्वीरें तुम देख सक चुके हो कि विधानसभा कार्रवाई की जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, घंटी बज चुकी है, तो हूँ तमाम जोड़े विधायक जोड़े कि आज आए हैं, अज जे वित्त मंत्री वालों बजट पेश किया जाना है। पहला राज्यपाल के अभिभाषण उत्ते जी बहस होनी है, चर्चा की जानी है, तो देख सकते हो तस्वीर तुम विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई की तस्वीर असं तुम्हें विखा रहे हैं। अज तीसरा तो अखीरला दिन हैगा विधानसभा की कार्रवाई का, तो अज जड़ा वित्त मंत्री जड़े कल नवे बनाए गए ने हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने वालों अज वोट एंड अकाउंट बजट पेश किया जा रहा है। तो उम्मीद सारे हैगी कि खजाना कितों खोलिया जाएगा, क्योंकि खजाना खाली हमेशा ही पंजाब के लोगों ने सुने कि खजाना खाली है, हूँ खजाना किमें भरया जाना है। इसनों लैके साफ किया गया आम आदमी पार्टी के विधायकों वालों कि खजाना खाली नहीं है, खजाना भरने लिए रिसोर्स की लोड़ हैगी और रिसोर्स सही तरीके यूज़ करना बेहद जरूरी है। एक बार फिर तुम्हें दिखा दिए तस्वीर है कि इतने विधायक इतने पहुँचे ने, वेख सकते हो तुम जलंधर तो उत्थे दस दिए कि तमाम विधायक जिन्होंने बीते दिन ही मंत्रालय वंडे गए, पोर्टफोलियो दिए गए ने, उन्होंने अज अपना कार्यभार संभालना भी शुरू कर दिता है। मंत्री हरजोत बैंस ने अपना कार्यभार अज संभालिया है। दस दिए कि बैंस के कोल जेल टूरिज्म कानून ते माइनिंग विभाग का कार्यभार है, जिसनों लैके उन्होंने अज अपना जिहड़े कार्यभार संभालिया, और उन्होंने इस मौके पर किया है कि वह गल्लां घट कम ज़्यादा करनगे, अपनी जिम्मेवारी पूरी तनदेही निभाउण दी गल हरजोत बैंस ने इस मौके पर की है। तो दस दिए कि बीते दिन 10 मंत्री जोड़े ने शामिल किए गए हैं कैबिनेट के, उन्होंने वालों अपना अपना अहदा हुण सांभ लिया गया, जो उन्होंने पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, जो विभाग वंडे गए हैं। हालांकि सब तो वध मुख्यमंत्री ने 27 मंत्रालय अपने कोल रखे ने, लेकिन जोड़े बाकी जिम्मेवारियां दित्तियां गईयां ने मंत्रियों, उन्होंने वालों हुण अपना अज कार्यभार जोड़ा है वह संभालिया जा रहा है। तो अज हरजोत बैंस ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। दस दिए कि उन्होंने टूरिज्म कानून ते माइनिंग विभाग का कार्यभार जोड़ा है वह दिता गया, जेल का जो जेल मंत्री बने ने, सो अपनी जिम्मेवारी तनदेही निभाउण की गल हरजोत बैंस ने इस मौके पर मीडिया ना गल करदिया की थी। सो मंत्रियों नूं विभागों की वंड हो चुकी है, तो कुछ मंत्री जिहड़े हैगे ने अपना चार्ज संभाल चुके ने। साडे नाल इत्थे हरजोत बैंस ने, सब तो छोटी उम्र के मंत्री ने, महज 31 साल की उम्र है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत वड्डियां ने इन्हां दे कोल। माइनिंग विभाग इन्हां कोल आ, जेल इन्हां कोल आ, टूरिज्म इन्हां कोल आ, ते तमाम जिहड़े विधायक हैगे कानून दे नाल इन्हां कोल ने। हरजोत जी साडे नाल ने। हरजोत जी, ये भी दशमेश पिता की कृपा है, छेवें पातशाह की कृपा है कि इन्नी वड्डी जिम्मेदारी मिली है, तो बचपन तो ही बाकी जिम्मे कहते सूँ पता नहीं, मैं एको ही सुपना से कि इस देश कुछ करना, तो पता से वो कुर्सी पर बैठ के ही हो सकता, तो ऐ लगता कि हूँ रब ने कहा कि हूँ करके दिखा। तो मैं धन्यवाद करदा अपने लीडर जिन्हें बहुत लंबा साथ हो गया, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, कि मैं उम्मीद नहीं सी, मैं तो अपने हल्के की तैयारी करता पाया, मैं एको मिशन से चलिया कि ना 5 साल बेस्ट MLA बन के दिखाना पूरे देश का। वड्डी जिम्मेदारी मिली है जी, इसी करके 4-5 दिन तो चंडीगढ़ रहना पै रहा, मैं अपने समझ रहा कामों सीख रहा कामों, तो हूँ बेस्ट मंत्री बन के दिखा कि काम प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि माइनिंग की दिक्कत मैं पहला भी तुम्हें सवाल किया, हल्के माइनिंग की बड़ी दिक्कत है, हूँ तो डिपार्टमेंट थोड़े को आ गया, माइनिंग कारपोरेशन बने
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਘਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਗਨਮੈਨ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਰਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਰਹੂਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਰਹੂਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ